Hey and what's up guys, TechBee is back with another video. So friend, आज की वीडियो में आपको बताने वाला कैसे आप अपने चैनल यानी मेरा जो चैनल है TechBee की, कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल का ओनरशिप चेक कर सकते हैं। मैं YT ऐप से भी करके देखा और YT ऐप आपका फोन जो ऐप आता है YT स्टूडियो का ऐप आता है उससे, और प्लस मैं क्रोम में दोनों जगह आपको जाके दिखाऊंगा कैसे आप अपना चैनल का ओनरशिप चेक कर सकते हैं। ओनरशिप यानी मतलब आपके चैनल का इन द सेंस सरल भाषा में मालिक कौन है, ओनरशिप मतलब यही हुआ। तो जैसे लैंड ओनर होता है लैंड होटल, तो वैसे ही मेरे चैनल का ओनर अभी मैं सिर्फ मैं ही हूँ। अभी आपको मैं सारा डिटेल दिखाऊँ कैसे आपको चेक करना है आपका YT स्टूडियो ऐप में भी, और प्लस आपको मैं वेबसाइट मतलब डेस्कटॉप साइट पे भी करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं बता दूँ थोड़ा ओनरशिप का मतलब और उसमें क्या क्या होता है। वहाँ पे आप जैसे चैनल परमिशन का टाइप होता है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप किसी और को ऐड भी कर सकते हैं अपने चैनल पे एज अ मेंबर या एज अ, देखते हैं बड़े बड़े चैनल में बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं तो एक ही आईडी पे क्या होता है आप वहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डाल के आप उसको इनवाइट कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल में एज अ एडिटर काम करिए, मैनेजर काम करिए, या एज अ व्यूअर, एज अ सबटाइटल, मतलब वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। मैं सब दिखाऊंगा डिटेल में तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स, आप हमें सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने YT स्टूडियो के ऐप पे चले जाते हैं। मैं पहले ऐप पे करके दिखाऊं, देन आपको मैं दिखाऊंगा वहां पे कहां पे अपना क्रोम में, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो कर सके। तो ये YT स्टूडियो का ऐप होता है, ये मैं मार्क कर रहा हूं, आप जैसे नॉर्मल जो भी क्रिएटर होंगे उनको पता होगा ये रहा आपका YT स्टूडियो का ऐप। इस पर आप क्लिक कर देंगे सिंपली से, ये मैं ऐप में करके दिखा रहा हूं, ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहां पे आपको जो रहता है आपके पूरे यहां पे डैशबोर्ड दिखा देता है, क्या आपके कितने सब्सक्राइबर, कितने व्यूज है, कितने वॉच टाइम, रेवेन्यू कितना है, सब्सक्राइबर कितना है, लेटेस्ट वीडियो वगैरह सारे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं दिखा देता है। और नीचे की तरफ आपको जैसे ये थोड़ा ऐप अपडेट हुआ है, मतलब काफ़ी महीने हो गए इसको अपडेट हुए, इसका क्या हुआ पहले ये सब जो नीचे जो बार आप देख रहे हैं ना, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ये सब जो नीचे बार देख रहे हैं डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, अर्न, ये सब आपका पहले ऊपर हुआ करता था या साइड में रहता है, ये अपडेट हो गया अभी नीचे हो गया। अभी इस ऐप में एक और क्या अपडेट आया मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। इसमें और अपडेट आया हुआ है कि अगर मतलब पहले यहाँ पे नहीं होता था, आप सिंपली सा अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो लोगो बना मेरा चैनल का TechBee वाला एकदम कॉर्नर पे राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे, वहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले, देन आपका क्या होगा, मैं इसको बैक करता हूँ, ये मैं यहाँ पे किया क्लिक, अब आपका यहाँ पे क्या होता है सारा कुछ आपका यहाँ आ जाता है। पहले यहाँ पे इतना ऑप्शंस नहीं रहता था इस ऐप में भी, ऐप का बात कर रहा हूँ जो फोन में ऐप हम यूज करते हैं YT स्टूडियो का, इसमें नॉर्मल पहले रहता था अकाउंट स्विच का और ऐसा सेटिंग्स था नॉर्मल नोटिफिकेशन पुश वगैरह, लेकिन इसमें काफी कुछ आ चुका है तो मैं दिखा रहा हूँ। आप यहीं से अपना अकाउंट का यूजर नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बट हमारा मेन फंडा आज का वीडियो में जो बना रहा हूँ चैनल ओनरशिप कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो TechBee की दिख रहा है, मेरा यूजर नेम दिख रहा है, फिर स्विच अकाउंट दिख रहा है, देन आपको गूगल अकाउंट दिख रहा है, फिर नीचे की तरफ आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन आप यहाँ पे सिंपली सा इस पर क्लिक कर देंगे। मैंने क्या कि यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, देन अब आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें बता रहा हूँ नोटिफिकेशन का सेक्शन है, यहाँ पे अर्न का सेक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अर्न वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, चैनल का सेक्शन दिख रहा है, देन आपको डिवाइस का दिख रहा है सेक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चार सेक्शन आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, जो ये चैनल वाला सेक्शन है ना यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, नीचे आप देख रहे होंगे चैनल के नीचे परमिशंस लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सिंपली सा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये देख रहे हैं चैनल वाले सेक्शन में आपको ये परमिशंस करके यहाँ पे दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एड और चेंज परमिशन ऑफ योर चैनल, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया सिंपली सा यहाँ पे आपको दिखा देगा ओनर कौन है यहाँ पे TechBee, यानी मैं सिर्फ अभी मेरे चैनल का ओनर अभी फिलहाल मैं सिर्फ मैं ही हूँ, मैंने ना किसी को परमिशन दिया मैंने अपने चैनल पे या किसको मैंने इनवाइट भेजा है, तो यहाँ पे मैं ओनर यहाँ पे मैं हूँ, ऐसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने चेक का दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ कैसे आप इनवाइट या ऐड कर सकते हैं किसी को चाहते हैं तो, यही सेम चीज़ मैं अभी डेस्कटॉप से भी करके दूंगा, फिलहाल अभी हम इस पर देखते हैं, इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा। अब आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे वॉन्ट टू ऐड मोर पीपल इन्वाइट, मैं इन्वाइट पर सिंपली सा क्लिक करूंगा, मैंने किया इन्वाइट पर क्लिक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन्वाइट पर आप जैसे क्लिक करेंगे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, मतलब आपका नहीं, मतलब जिसको आप इन्वाइट करना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको
उसका मतलब ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर गूगल ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि देख रहे हैं गूगल का ईमेल एड्रेस यहाँ पे काम करेगा। आप एज अ कैसे कैसे उसको इनवाइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि मैंने अभी किसी को यहाँ पे किया नहीं। आप ईमेल यहाँ डालेंगे तुरंत ही थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा यानी आपको अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या मैं पढ़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पूछ रहे हैं एज अ मैनेजर, मैनेजर क्या कैन व्यू एवरीथिंग, मैनेज परमिशन, गो लाइव, मतलब वो सब कुछ कर सकता है आपके चैनल पे, डिलीट कंटेंट, मतलब मेनली ज्यादा काम वही करेगा। देन आप एज अ एडिटर भी किसी को इन्वाइट कर सकते हैं, वो भी सब देख सकता है, गो लाइव एडिट कर सकता है, लेकिन वो परमिशंस को मैनेज नहीं कर सकता है, यानी जो मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कंटेंट डिलीट नहीं कर सकता एडिटर। और एडिटर का एक और ही ऑप्शन है एडिटर लिमिट सेम एज परमिशन एज एडिटर बट कांट व्यू रेवेन्यू डेटा, मतलब आप रेवेन्यू डेटा नहीं देख सकते हैं। फिर सब टाइटल एडिटर कैन ऐड एडिट और रिमूव सब टाइटल कैन, बट ये और कुछ नहीं देख सकता, मतलब खाली वो आपका सब टाइटल ऐड रिमूव एडिट कर सकता है। व्यूअर क्या है कैन व्यू एवरी थिंग कांट क्रिएट एडिट और डिलीट एनी थिंग, मतलब खाली सिर्फ देख सकता है सब कुछ लेकिन वो कुछ बना एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। व्यूअर लिमिटेड सेम परमिशन एज व्यूअर्स, व्यूअर के परमिशन रहते हैं लेकिन वो रेवेन्यू डेटा नहीं देख सकते। तो ऐसे यहाँ कैटेगरी बना हुआ है कैसे कैसे आप इसको किस किस कैटेगरी में अपने कोई भी जिसको भी आप अपने कलीग फ्रेंड दोस्त जिसको भी आप इन्वाइट करना चाहते हैं यहाँ पे हमारे से ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सिलेक्ट करके उसको सेंड इन्वाइट पे कर देना, उसके मेल पे या वाइटी स्टूडियो पे कहीं पे चला जाएगा। ये मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखा दिया दोनों चीज करके कैसे आप अपना चैनल ओनरशिप देखेंगे कौन है, जैसे कि अभी मेरे फिलहाल चैनल का मैं हूँ, और कैसे आप किसी को इन्वाइट भेज सकते हैं। अब हम चलते हैं सिंपली से अपने गूगल क्रोम में, मैं वहाँ डेस्कटॉप से करके दिखाता हूँ आपको। या आप ऐसी सिंपली से अपना क्रोम में खोल लेंगे चैनल, देन आपको क्या करना है सिंपल सा यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ऊपर की तरफ कस्टमाइज चैनल पे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना ऊपर की तरफ। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये मैंने डेस्कटॉप साइट पे खोला हुआ है आपका क्रोम में, अगर आपका लैपटॉप है डेस्कटॉप है उससे करने के लिए मैं दोनों से दिखा रहा हूँ। ये अब हम वेबसाइट से देख रहे हैं, हमने ऐप में तो देख लिया, अब यहाँ पे सब कुछ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सिंपल सा सेम प्रोसीजर अपनाना है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से क्योंकि वेबसाइट है वो ऐप में अभी नया आया हुआ है। आपको क्या करना है यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये पूरा फुल पेज है, यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका नीचे की तरफ कॉर्नर में नीचे देख रहे होंगे एक सेटिंग्स का लोगो है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये आप देख सकते हैं एकदम कॉर्नर पे ये सेटिंग्स का लोगो बना हुआ है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। मैंने किया यहाँ पे क्लिक, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे इसको मैं जूम आउट करता हूँ, अब यहाँ पे आपका आ जाता है, यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है सेटिंग्स पर, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाता है आपका सेटिंग्स वाले कैटेगरी में, देख रहे होंगे आप सेटिंग्स आता है, जनरल आता है, चैनल अपलोड डिफॉल्ट परमिशंस कम्युनिटी आता है, फिर एग्रीमेंट्स आता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ एक बार, जो मैंने पढ़ा आपका जनरल चैनल अपलोड डिफॉल्ट परमिशन वगैरह वगैरह, आपको वही सिंपल से क्या करना है परमिशंस पे हम क्लिक करेंगे। मैंने किया परमिशंस पे क्लिक, अब जैसा कि है अब यहाँ पे देख रहे होंगे, अब मैंने जैसे ही परमिशन पे क्लिक किया यहाँ पे आपका शो हो जाता है, जैसे मेरा वहाँ पे शो हो रहा था मेरा यहाँ ईमेल आईडी है, फिर क्या कहते हैं रोल क्या है मेरा, ओनर मैं इसका चैनल का ओनर जैसे मैंने बताया। अब जैसे कि मैंने देख लिया यहाँ से आपको दिखा दिया ऐप से और दोनों से कैसे आप देख सकते कौन ओनर है। अब इनवाइट का मैंने ऐप से भी दिखा, यहाँ से भी दिखा देता हूँ सिंपल, इसको बैक करता हूँ, ऊपर की तरफ देख रहा हूँ इनवाइट का ऑप्शन आ रहा होगा जैसे वहाँ नीचे आ रहा था ऐप में। अब मैं यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक कर दूंगा, मैंने किया इनवाइट पे क्लिक, अब जैसे कि इनवाइट पे आ गए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दूसरा है, रुकिए इनवाइट पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है यूजर ईमेल आईडी, मतलब यहाँ जैसे वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट और आपका ऑप्शन भी अलग अलग है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप ईमेल यूजर ईमेल जिसका डालना है आपको, एक्सेस मतलब सिलेक्ट करिए मतलब क्या चीज़ का आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं। देन यहाँ नीचे कुछ लिख रहा है मैं पढ़ दे रहा हूँ, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ पीपल यू गिव चैनल टू एक्सेस, चैनल एक्सेस इंक्लूड प्राइवेट वीडियोज एंड प्लेलिस्ट, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप किसको दे रहे हैं, तो वो आपके आप देखिए चैनल बहुत ही कीमती चीज़ होता है क्रिएटर के लिए क्योंकि बहुत उसमें मेहनत लगता है, तो आप आपके ऊपर आप किसको दे रहे हैं, सही बंदे को दे रहे हैं या किसी को भी कलीग को दे रहे हैं कि नहीं, जो भी आपका मन है। और नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि इन्विटेशन क्या होता है सेंड बाय ईमेल, जैसे मैंने ऐप वाले में बताया, और एक्सपायर हो जाता है एक महीने में एक्सपायर हो जाता है, उससे पहले उसे जिसको आपने इन्वाइट भेजा है वहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल देंगे, एक्शन में आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, वही जैसे वहाँ पे ऐप में था मैनेजर एडिटर एडिटर लिमिट्स सब टाइटल एडिटर व्यूअर और व्यूअर लिमिटेड, तो मैंने आपको दिखा दिया ऐप में भी दोनों चीज करके
कैसे आप अपना ओनर चेक कर सकते हैं कौन है चैनल का, प्लस आप कैसे किसको इनवाइट भेज सकते हैं, प्लस मैंने वेबसाइट पे भी सेम चीज करके आपको दिखा दिया है मैंने। सो फ्रेंड्स, आपने स्टेप बाय स्टेप देखा, मैंने बताया डिटेल में कैसे आप YT स्टूडियो ऐप और डेस्कटॉप साइट यानी क्रोम में अगर लैपटॉप से आप यूज करें कैसे आप अपना चैनल का ओनरशिप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और कैसे किसी को इनवाइट वगैरह भेज सकते हैं, या अगर किसी को आपको ऐड करना है कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो काफी आपको अच्छा लगा हो। साथ ही फ्रेंड्स, लास्टली थैंक यू।